सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने विधायकों को जनता से हमेशा अच्छा व्यवहार करने की नसीहत देते हैं, लेकिन कुछ नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा के जेवर टोल प्लाजा का है, जहां पर गढ़मुक्तेश्वर से विधायक कमल सिंह अपनी बस से नोएडा आ रहे थे। जब उन्हें जेवर टोल टैक्स मांगा गया तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो नीचे उतरे बस से और टोल कर्मियों के साथ मारपिटाई शुरू कर दी। पीड़ित टोल कर्मियों ने जेवर थाने में मामला दर्ज करवाया है। विधायक और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सीसीटीवी को अपने कब्जे में ले लिया है और फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। ताहिर सैफी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ताहिर, अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जब टोल कर्मी टोल मांगते हैं और उनके साथ बदसलूकी होती है, गुंडई होती है, लेकिन हैरानी तब होती है जब माननीय इस तरह की हरकत करते हैं। चलिए दोबारा संपर्क करेंगे ताहिर से। बता दें आपको, ये तस्वीरें हैं जेवर टोल की, जहां पर विधायक साहब अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुजरते हैं। जब टोल कर्मी टोल मांगता है तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतरकर जमकर पिटाई कर देते टोल कर्मियों की। ताहिर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पूजा जी। सवाल मेरा यह है कि अक्सर ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं, सामने आती हैं, मारपिटाई होती है टोल कर्मियों के साथ जब वो टोल मांगते हैं, लेकिन हैरानी तब होती है और बड़ा दुर्भाग्य तब है जब माननीय इस तरह की हरकत करते हैं। देखिए पूजा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर माननीय इस तरीके की हरकत करेंगे तो आम जनता पर सवाल उठना जो है लाजमी हो जाता है। साथ ही सवाल उठता है कि जिस जनता जो है आम शख्स को जो है चुनकर जो है विधायक के पद पर बिठाती है ताकि वो उनका नेतृत्व कर सके और जो सही बात है उसको जो है वो संसद में उठा सके, लेकिन वही नेता अगर संसद पहुंचने के बजाय उल्टे टोल टैक्स देने में ही जो है लापरवाही बरतते हुए दिखाई देंगे, अपनी दबंगाई दिखाते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिन माननीयों को जो है चुनने के बाद जो है संसद भेजा गया था वो क्या इस लायक थे? क्योंकि जिस तरीके से जो है गढ़मुक्तेश्वर के विधायक कमल सिंह ने जो है अपनी दबंगाई दिखाते हुए जमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनके साथ जो है मारपीट की है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या टोल टैक्स मांगने को ऊपर जो है जो चंद रुपये का टोल टैक्स होता है उसको ऊपर ही जब माननीय विधायक जी जो है मारपीट जैसी हरकत करते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं माननीय के ऊपर उठना सवाल लाजमी हो जाता है। मुझे ये बताइए कि कार्रवाई क्या हुई है ताहिर? पुलिस ने मामले को संज्ञान में तो लिया है, फुटेज में भी साफ दिख रहा है कि क्या हरकत हुई है, क्या किस तरह से बदसलूकी हुई है, मारपिटाई हुई है, कार्रवाई अब तक क्या हुई है ताहिर? देखिए पूजा जी, पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ जो है मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया है, लेकिन विधायक की दबंगई जो है जेवर थाने में भी जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले मथुरा और उसके बाद जो है जेवर टोल प्लाजा पर विधायक जी के द्वारा दबंगई और मारपीट की पूरी वारदात की गई। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस है उसने गिनी चुनी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, वो भी एनसीआर में, यानी कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो खड़े जो है मौके से ही बेल हो जाएगी। अगर इनका वकील दूसरे तरह से अगर कहा जाए कि कोर्ट के शरण में जाता है तो जाहिर तौर है कि इनकी जो है गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है, यानी कि मामूली धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है ताकि विधायक के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सके। जी पूजा जी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो अपने विधायकों को हमेशा ये आदेशित करते हैं, निर्देश देते हैं कि सदाचार लाएं अपने व्यवहार में, अच्छा व्यवहार अपनाएं, लेकिन इस तरह की घटनाएं क्या ऊपर तक पहुंची है, संज्ञान लिया गया है? देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री की बात हो, लगातार दोनों ही तरफ से जो है दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है एक सामाजिक पार्टी के तौर पर जो है इसको देखा जाता है, मानवता का पूरा ध्यान रखा जाता है, किसी से बदतमीजी नहीं की जाती है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के अगर चुने हुए विधायक जो है टोल टैक्स जैसे मामले पर जो है मारपीट और गुंडागर्दी करते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर भी सवाल उठना जो है लाजमी हो जाता है कि क्या इन्हीं विधायकों के दम पर जो है बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सभ्यता जो है आम जनता तक जो है पहुंचाई जाएगी। जी पूजा जी, अक्सर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो दो चीजें होती हैं ताहिर। एक तो ये समझ नहीं आता कि क्या यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, जो आए दिन टोल कर्मियों के साथ मारपिटाई होती है, और ऐसी घटनाओं के बढ़ने के पीछे क्या वजह यह है कि कार्रवाई उचित नहीं होती, इस वजह से हौसले बुलंद हैं?
देखिए पूजा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुरक्षा की अगर टोल प्लाजा पर बात की जाए तो सुरक्षा के तौर पर पहले से ही सुरक्षा गार्डों को जो है टोल प्लाजा पर तैनात किया जाता है। साथ ही एक पीसीआर को भी जो है सुरक्षा के तौर पर जो है टोल प्लाजाओं पर जो है रखा जाता है, ताकि अगर कोई वारदात होती है तो आसानी से उसको जो है कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब इस तरह की वारदातें सामने सीसीटीवी फुटेज आ जाती है तो कार्रवाई करने की जो बात सामने आती है, उसके बाद बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर खड़ा हो जाता है, क्योंकि पुलिस जिस मुकदमे को दर्ज करती है वो मामूली धाराएं होती हैं, और उन मामूली धाराओं में अगर आरोपी की गिरफ्तारी भी होती है तो खड़े खड़े बेल हो जाती है। इसी का फायदा दबंग उठाते हैं और मारपीट जैसी वारदातों को अंजाम देने में जरा भी गुरेज नहीं करते, और इसी के चलते लगातार जो इस तरीके के दबंग लोग होते हैं उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, और पुलिस अपने आप को जो है ऐसा महसूस उस समय कराती है कि अगर आरोपी को गिरफ्तार करके जो है कोर्ट में पेश किया जाता है तो पुलिस के थाने पहुंचने से पहले ही आरोपी छूटकर अपने घर पहुंच जाता है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंद मामूली धाराओं में जब पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी तो इस तरह की वारदातें जो है होना लाजमी हो जाता है। शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए ताहिर सैफी।